बिलारी एक कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री कपिल आर्य ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता की। उन्होंने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल हर समय व्यापारियों की सम्मान सुरक्षा के लिए लड़ता रहता है और वह निरंतर लड़ता रहेगा। और उन्होंने कहा कि हमारे किसी भी व्यापारी को कोई समस्या आती है तो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल पूरी तरह से उसके साथ खड़ा है। उन्होंने बात करते हुए कहा कि सैंपल सर्वे छापा व्यापारी की बिना अनुमति के नहीं भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापारी से ही व्यापार है और व्यापार नहीं हुआ तो देश खत्म हो जाएगा। और ब्याज हमारा लगता रहा, सबसे गलत बात ये कि हमारा जो है जो ऋण लिया है उसका ब्याज लगातार लगता रहा और कर्मचारियों को हम पैसा भी देते रहे और बिजली का बिल भी देते रहे। मेरा सुझाव है कि अपने व्यापार मंडल रखा हुआ बिजली का एक समान दर हो पाते, एक समान घर में जला, झोपड़ी में जला, कुछ भी जला, सुझाव जो हमारा रखा गया ये हमारी मांग भी है। और सर एक बात और है, बात कह रहे हैं आज हम बिजली कटवाना चाहते हैं। आज हमने 50 लाख रुपए लगा के बिजली ले ली 200 किलोवाट की, 50 लाख रुपए लगेंगे 200 किलोवाट की, उसके बाद हम ये कटवाना चाहते तो कटवा नहीं सकते। ये सबसे बड़ा न्याय हमारे साथ, भाई हमारी बिजली उसी वक्त बंद कर दो। हम जो जुड़वाना चाहते हैं उसके 50 लाख लगेंगे, जो कटवाना चाहते हैं वो 25 लाख और दे के पीछा छुटेगा उसको। ये सबसे बड़ा अन्याय है, उसकी बिजली उसी वक्त कटनी चाहिए, उसी वक्त मिलनी चाहिए जब वो चाहे। वो कहता भाई हमारी बिजली आज बंद कर दो, उसकी बिजली बंद कर दो, बिजली का बिल बंद हो गया, दूसरे जो मांग रहे उसे दे दो। आप उसकी बिजली का लगातार पैसा उत्पीड़न करेंगे और बाई चांस उसकी अगर पीढ़ी रह जाती है, आज हमने बिजली कटवा दी, उसकी पीढ़ी कराई रह गई तो उसके बाप दादा को भी जो है उसके बच्चों को जो पैसा देना पड़ेगा कि भाई 10 साल पहले आपने पीढ़ी नहीं कराई, बाई चांस रसीद खो गई तो उन्होंने कहा भाई आपने पीढ़ी नहीं करा पाए, रसीद दिखाओ। तो ये एक अन्याय है और कॉमर्शियल की बिजली दुकानदारों को बिजली ज़्यादा देनी पड़ रही है। आप किसी को मुफ्त दे रहे हो, किसी को ज़्यादा पैसों में दे रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा पैसों में दे रहे हो।